स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में प्रत्येक परिवार के यहां शौचालय बनवाने का प्रावधान है, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि वाराणसी जनपद के बड़ा गांव ब्लॉक के कोदई गांव में शौचालय न बनने के कारण राजकुमारी देवी सहित 70 परिवारों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय नहीं है जो कि बनवाना चाहिए, प्रधान है तो बनवाते ही नहीं है, अगर जाके कहो तो किसी का बनवाया है तो वो भी आधा बनवाया है, पूरा तो बनवाने का नाम ही नहीं लेते हैं, और बाकी लोगों का भी बनवाया है लेकिन हम लोग का नहीं बनवाया है। वो तो शौच के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? बाहर जाते हैं, जाना ही पड़ता है, अभी बरसात है तो जानवर भी हैं बहुत सारे तो जाना पड़ता है बाहर, और अभी बरसात है तो खेत में पानी भरा है, कहाँ जाएंगे, बहुत दिक्कत होती है, और प्रधान से कहो तो वो सुनते ही नहीं है। शौचालय बन जाएगा तो फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा कि हम लोग को बाहर भी नहीं निकलने जाना होगा, कोई भी लड़की या फिर कोई औरत नहीं जाएंगी बाहर, और अपना घर में ही रहेंगे, और ये सब बैक्टीरिया से हम बच सकते हैं जो कि बीमार हमको होना पड़ता है, मक्खियों से भी बीमारी होती है जो कि हमारे शौच पे भी वो बैठती है, खाने भी बैठती है, दोनों जगह, तो अगर हम लैट्रिन का यूज़ करें तो काफ़ी बेटर होगा हमारे स्वास्थ्य के लिए। शौचालय बन जाए तो का फायदा हुई? अरे फायदा हुई कि जैसे बिटिया पतो वहीं ना ही टाइम मिल रहा, अपन संध्या सवेरे जब मन है तब चल जाए, खेतारी में आदमी वहीं तब ना जा पाऊंगी कहाँ जाएंगे। अपन खुद का शौचालय कहीं नहीं बनवाओ? अब जुगाड़ नहीं हुआ तो का कैसे का करें? तो घर का खर्च कैसे चला था? घर का खर्च ऐसे दरी सरी बिनत बन चला, यह शौचालय हम चाहते बन जाए। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूं कि वाराणसी जनपद के बड़ा गांव ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर 94-54-42-82 है, इस पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। मैं बबीता मौर्या जौनपुर उत्तर प्रदेश से इंडियन हर्ड के लिए।